का भला? हमने की शक एकदम सही रहा। रजो चाची अपने कमरा में नहीं थी और उजन औरत बाहर गई है, रजो चाची ही रहनी है। का बात करते रहो? आज तब चाची जी के नाटक के अंतिम दिन बा, आज वहाँ के पोल खोल के ही रही। रजो चाची अब रे वो भाग नहीं खी सकत। रितु, रात के 2 बज गिल बटे, तू जाके देख ले रजू चाची अपना कमरा में बड़ी की ना। और हाँ ध्यान रहे, आराम से जिया ले, कुछ आवाज वाज ना हो गई। चाची जी अपना कमरा भी नहीं की, इकरा मतलब जे भी बाहर गई है पक्का चाची जी ही रहनी है। हमने के शक बिल्कुल सही रहा। कमला, हमने के शक एकदम सही रहा। रजो चाची अपना कमरा भी नहीं की और वो जन औरत बाहर गई है वो और क्यों ना रजो चाची ही रहनी है। का बात करते रहो? आज तब चाची जी के नाटक के अंतिम दिन बा, आज वहां के पोल खोल के ही रही। ठीक बड़े चले ले। रजू चाची अब रे वो भाग नहीं खी सकत। रितु तू ठीक तो बढ़ू ना? हाँ हम ठीक बने। रितु मौका हाथ से ना जाएगा चाहिए, चलो जल्दी चल। हाँ चल चल के देखा जो चाची जी अपने कमरे में पानी किया। आई
दरवाजा बंद कर लिया। चाची जी दरवाजा खोली, हम कहते दरवाजा खोली होगा। देखे थे नहीं मिथिलेश, पकड़ाए के डरे चाची जी दरवाजा अंदर से बंद कर ले बनी। चाची जी चाहे कितनो कोशिश कर ली बच ना पाई, आज यहाँ का असली चेहरा सबका सामने आके रहे। चाची जी रजू चाची दरवाजा खोली, खोली चाची। चाची जी हमने के पता बा कि रुआ अंदर है बानी, यही से छुपे के कोशिश मत करी, चुपचाप भरे आज ही रुआ। देखी चाची हम अपना आँखी से देखनी है, खुद ही भाग के आई बनी, अब कमरा में दरवाजा बंद कर बनी। आज आपके सारा नाटक के ना पर्दाफाश हुई। आपस मिथिलेश रितु, अरे तू लोग इतना रात के जगह करे तड़ा। मैं वो बस दरवाजा खुला तो नहीं देखी। अरे इतनी रात में शोर मचा के क्यों सबको जगा रहे हो, खुद तो सो नहीं रहे, हमें भी नहीं सोने दे रहे हो। अब का हो गई युवा लोग, इतना रात गई हमारे माई के कमरा के दरवाजा काहे पिटता नहीं। ये सब का होता है यार, इतने रात गए का तमाशा होता हा? अरे बोला ऋतु मिथिलेश सब कहा बाप, तमाशा वमाशा कुछ नहीं किया, दरवाजा अंदर से रजो चाची बंद कर ले बड़ी, और बस हम दरवाजा खुलवाए कोशिश करते नहीं। अब आज ना पूरा नाटक जोन बैठे तो उन सब का सामने आके रहे। बोलो चाची जी। अरे हद हो गई, मतलब काहे रोवा दोनों लोग हमारे बीमार माई के पीछे हाथ धो के पड़ल बानी। अरे रोवा लोग के अंदर इंसानियत भी बचल बा कि ना, रोवा लोग ही बताई कोई कोमा में पड़ल इंसान ऐसा कर सकेला का? हमार माई तक कब से कोमा में पड़ल बाड़ी, अब बस करी, अब और मत सताई हमरा के हमार माई के, हम हाथ जोड़ के विनती करत आनी। रितु हम तोरा के समझेले रहनी ना कि ये घर के बहू होए के नाते ये पूरा परिवार के बचावल तोहार जिम्मेदारी होला, और तू तो ये परिवार के उजाड़े पर लग गएल बाड़ू, और खुद तो खुद मिथिलेश के भी काम में लगा लेले बाड़ू। हम जवान भी करते नहीं परिवार के भलाई खती करते नहीं अम्मा जी, बाकी रोवा के भी समझ में ना आए, जब चाची जी की सच्चाई पता चली ना तब रोवा के समझ में आए। बस रुक जाए, यहाँ की सच्चाई ना कुछ ही देर में सबका सामने आए वाला बा। अभी कुछ देर पहले ही चाची जी घर के बाहर गेट के लगे खड़ा रही है, और जब हम और मिथिलेश वहाँ के लगे गई नहीं हाँ तो वहाँ के भाग के आके अंदर कमरा में बंद कर ले रही अपने आप के, अब यहाँ के दरवाजा खुल ही के पड़ी। चाची जी तो अंदर कहीं बैठल मानी, खोली दरवाजा, जाओ सस्ता हमरा के मिथिलेश के पता चली गई बा, अब चुपचाप बहरे आई और सबका के अपना सच्चाई बताई। अरे एक मिनट चाची जी तो कोमा में बाड़ी ना, तो फिर तो अंदर कोई कैसे हो सकेला? आप खोली रजू चाची, बाहर निकली चाची जी। प्रीतिप तू अंदर का रहता रू? अरे प्रीति तुम चाची जी के कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हारी वजह से ना इन दोनों ने सबको जगा दिया। प्रीति तू रजू चाची कमरे में क्या कर रहा लू, और खोले में इतना दरवाजा टाइम कहने लगा लू? बताए प्रीति, और युवा दरवाजा अंदर से कहे बंद के लिए रहनी है? हाँ प्रीति बोले चुप का है बाड़ू। प्रीति भीतर के बा? हाँ इतना रात गई हमारे माई के कमरा में के बा? प्रीति प्रीति बतावत कहे नहीं खो, ये मूर्ति बन के कहे खाती खड़ा बाड़ू, बताओ सब करे के का कर तलू अंदर? ओ डॉक्टर रमन बाड़े, हम ही उनका के फोन करके हेजा बुलौले बानी। रवा लोग मिली इनका से, ये डॉक्टर रमन बाड़े बहुत बड़ डॉक्टर, हम इनकर बारे में बहुत सुन ले रहनी, यही से आज हम इनका के हिजा बुलौने हैं। हुका है ना कि इतना दिन से ही घर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लागत रहे, लेकिन हद तक तब हो गए जब रितु भाभी एक कोमा में पड़ल रज्जो चाची पर आरोप लगाऊंगी। ये घर के माहौल और खराब ना होके यही से हम चाहत रहनी कि ये सच पता चल जाए कि रज्जो चाची
सच में कोमा में बानी कि जे रितु भाभी कहतानी वो सच बा कि रजो चाची नाटक करतानी, यही से हम डॉक्टर साहब के हिजा बुलाएंगे रजो चाची की जांच करे खातिर। रजो चाची की जांच करके डॉक्टर साहब हमरा के सच बतौनी है, उहे सच्चाई हम रउआ लोग के बतावल चाहता। एक मिनट प्रीति, पहले ये बतावा कि इतना रात के डॉक्टर साहब के बुलावे का जरूरत पड़ल, और अगर बोलेबो कैलू तो पूरा परिवार से छुप छुपा के कहे। हमार मजबूरी रहे माई, रजो चाची सच में कोमा में बानी की ना ई पता लगावे खातिर हम डॉक्टर साहब के बुलावले बानी, तब का गोपाल हमरा के कबो ऐसन करे दिहले रहत। अगर हम रउआ लोग के पहले बता देती कि हम डॉक्टर साहब के रजो चाची की जांच करे खातिर बुलावल चाहतानी, तो का रउआ लोग हमरा के बुलावे दे नानू? अगर गोपाल के पहले पता चल जात कि हम डॉक्टर साहब के रजो चाची की जांच करे खातिर बुलावत आनी, तो ये हमरा के कबो ऐसा ना करे दे। यही से रात के छुप छुपा के हमरा के काम करे के पड़ल। माई, हमरा के परिवार के चिंता रहे, हम नहीं के चाहत कि एकमात्र शक के आधार पर ये पूरा परिवार बिखर जाए। यही से इस सच जानल बहुत जरूरी रहे कि रजो चाची सच में कोमा में बानी की ना। एक मिनट प्रीति, हमने कुछ देर पहले ही हम और रितु गेट पर खड़ा रहनी है जा। तो हमने के तना देखनी है कि तू डॉक्टर साहब के साथ घर में आवत रहू, तो तू कब आ गई घर में भाई, बता ले। भैया, जब रवा लोग गेट पे आई ना, ओकरा से पहले हम डॉक्टर साहब के लेके चाची जी के कमरा में आ चुकल रहनी है। जब रवा डॉक्टर साहब के साथ अंदर आईनी है, तो चाची जी अपना कमरा में रहनी है का? रवा कैसन बात करतानी, अगर ये अपने कमरे में ना रहती तो हम चेक कैसे करी? यहाँ से तो कहीं उठ के जा भी ना सकता नहीं हूँ, काहे कि संभव ही नहीं खे। अमेरिका में 18 साल डॉक्टर का प्रैक्टिस कैले बानी, इनका के चेक कैले के बाद हमरा के पता चलल कि ई ए समय एकदम डीप कोमा में बानी, तनिक से भी हिल डुल नहीं सकत बानी। रितु, हमारे सब पता बैठे जो हमनी के देखनी है जा अपना आँखी से, ये डॉक्टर जोन बोलत रहनो बात पर यकीन तना कल जा सकेला। लेकिन हाँ, अभी तू चुप रहा ले, जब बोला से कोनो फायदा नहीं है। इस समय अगर हमने कुछ भी बोल जी तो केवल हमने के बात पर भरोसा ना करी, अगर तू बोलबू तो और ही घर में बवाल हो जी, इसे चुप रहा ले। डॉक्टर साहब के बात से साफ हो गई ना, अब तू लोग बतावा कि इतना रात के जागल का है बाड़ा? अब मई तू सही कहत रहू, दरअसल बात ये बाकी रजू चाची कोमा में बड़ी, और इनकर ख्याल रखे के बजाय हम और रितु दोनों जना इनकर ऊपर इतना शक के नहीं जा आरोप लगे नहीं जाते, मैं ये बात से ठीक नहीं लगत रहा, यही से हमने के नींद ना आवत रहा। मैं और तू जो हमारे के बात समझले रहू, वो बात हमने के बार बार सोच सोच के दिमाग में घूमत रह, तब सोचनी हमारी कि हम जाके रितु से कहनी है कि चल के रजू चाची से माफी मांग लिया जा, ठीक रही मई माफी मांगे खातिर हमने के दोनों जाए रही है जाए, है ना? अच्छा, मतलब इतना रात के रुआ इतना जोर जोर से हमार माई के कमरा के दरवाजा पीटत रहनी माफी मांगे खातिर? गोपाल, तू सही कहत रह, दरअसल जहाँ तक ले बात बैठे दरवाजा जोर जोर से पीटल के, तो सच बताई तो हमनी के बुझाई लगे केहू रजो चाची कमरा में बैठे जे की दरवाजा बंद कर दिले बा अंदर से, तो दरवाजा के बंद के लेबा यह जाने खातिर और ये दरवाजा खुलवावे खातिर हमनी के जोर जोर से दरवाजा पीटत रहने से, और हो सके तो आप लोग हमनी के और रितु के माफ कर दें जा। और आप सब लोगों के तो पते बैठे कि रितु के जोन संगे भयावह घटना भइल बैठे, वो घटना से उनका दिमाग पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ल बैठे। तो हम आप लोगों से यह कहम कि रितु जानबूझ के केहू के ऊपर आरोप नहीं लगावत, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि रितु के हम बहुत अच्छा से समझाएं ताकि उनका घटना से निकले मदद हो सके और दोबारा ऐसा गलती ना हो। चलो देर से ही सही, तोरा की समझ तो आ गई। डॉक्टर साहब, रज्जू को ठीक करे के कोनो उपाय नहीं खेका, रज्जू के ऐसा हालत हमने से देखल नहीं खे जात। हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब हमारे माई के ठीक कर दी। चिंता का कोनो बात नहीं खे, हम अपने अनुभव के इस्तेमाल से
हम रज्जो जी के भी ठीक कर दे। यहीं से प्रीति जी जब रज्जो जी के बारे में फोन करके बतावली, हम तुरंत चले एली। हम रज्जो जी के पूरा चेकअप कर ले बानी। हम अपने तरफ से इलाज शुरू करी। ऐसे पहले हमरा के कुछ जाने के बाद कोमा में जाए से पहले रज्जो जी के औरों कोनो बीमारी रहे का? काई कोनो दवाई खात रहनी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कोनो गंभीर बीमारी ना रहे, लेकिन हाँ बीपी रहे माई के। कहे कि माई ना अक्सर बीपी के दवाई खात रहनी। बीपी की कौन सी दवाई खात रहनी? देखी डॉक्टर साहब, ऐसे तो दवाई कौन रहे हमरा के याद नहीं के, लेकिन माई के वो दवाई वाला पर्ची के फोटो ना माई के मोबाइल में हुई। ठीक है, खोजल। रज्जू चाची की मोबाइल तो कमरे में होके के चाहिए। ये देखिए मोबाइल मिल गए का गोपाल? रुवा के पता नहीं कि चाची जी मोबाइल हमेशा अलमारी में रखे नहीं। ई रहल मोबाइल ली। मोबाइल कहीं खातिर दे दिलू? मोबाइल के अपन लगा ही रख ले रही थी। चिंता मत करी मिथिलेश, हम मोबाइल जानबूझ के देने हैं। तो वह तो पता बना चाची जी कितना चलाक है। अभी कुछ देर पहले गेट के बाहर कैसे रहनी है और आ कैसे सुतगुल बन जैसे कि कुछ भाई लेना रहा। मोबाइल वापस करे के पीछे वो चाल बा, ऐसा चाल जन चाल के चाल में कि चाची जी फंस ही जाए। तो वह देख लिया पिछले कुछ दिन से ये घर के हालत ऐसन हो गई रहे कि हमरा के तो लागत रहे कि घर के माहौल फिर पहले जैसन सुधरी की ना। हम तो एकदम में हिम्मत हार गए रहनी। पूरा परिवार भी उम्मीद छोड़ देले रहला। बाकी ऐसन में प्रीति घर के बचावे के काम कैली। अगर प्रीति टाइम से डॉक्टर के ना बुला लेले होती तो ये कबो साबित ना हो पावत कि रज्जो कोमा में बाड़ी की ना, और धीरे धीरे हमार परिवार टूट जाता। बाकी प्रीति समझदारी दिखा के ये घर के जोड़े के काम कैली, ये घर के टूटे से बचा ले ली। नागेश तू बहुत किस्मत वाला बाड़ा कि तोहरा के प्रीति जैसन पत्नी मिली। घर परिवार के कैसे बचा के रखल जाला ये हमार प्रीति के अच्छे से आवेला। हालांकि रीतु के ये घर के बहू होए के नाते ये फर्ज रहे, बाकी ये फर्ज निभैनी हमार प्रीति। हाँ बड़की माई, युवा एकदम सही कहा था। अगर आज प्रीति इतना बड़ डॉक्टर के ना बुले ले रहती तो ये बात कब्बो साबित ना हो सकत कि हमार माई निर्दोष बारी। और न जाने और कितना गंभीर आरोप हमार माई पर लगावल जात। लेकिन शायद प्रीति के भी मालूम नहीं थे कि प्रीति कितना बड़ नेक काम के लिए बारी। सारी तारीफे आज रात में ही कर लेंगे क्या? अरे कुछ सुबह के लिए भी बचा के रखो। इतनी रात हो गई, रात के 3 बज गए, अब तक आप लोग सोए नहीं? जाके अपने अपने कमरे में सो जाइए। आंटी जी आप भी जाइए। अच्छा हुआ सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सो गए। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। कुछ काम ना सब लोगों के सोने के बाद ही किए जाते हैं। फोन उठाओ रज्जो चाची। फोन उठावा हमार। हेलो
एक बार और ही करते हैं। मिथलेश के ही फोन बा, लेकिन चाची जी के ई बात के पता नहीं खे। चाची जी के लागत हुई कि क्यों और वहां के इतना रात के फोन कर ले बा। अब फोन उठावे खातिर तो रजो चाची बेड से जरूर उठा। बस हम यह इंतजार करते नहीं कि चाची जी बेड से उठी और हम यहाँ के रंगे हाथ पकड़ी। फोन उठावा रजो चाची, फोन उठोला में का दिक्कत बा?